कोरोना विषाणु के प्रकोप के चलते सरकार ने लॉकडाउन संचारबंदी घोषित करके सरकार ने रेलवे और बस सेवा खंडित करने के बाद देश में सभी जगह मजदूरी काम धंधे करने के लिए गए कामकरी कष्टकरी मजदूरों को बड़े ही हाल हुए हैं। प्रशासन के बल प्रयोग व पुलिस के दंडुकों को न घबराते हुए लोग अपने घर पलायन का मार्ग छोड़ दिया। कई जगह ठेकेदारों ने उनकी सब्जी रोटी की व्यवस्था की। राज्य सरकारों ने निराधार को आश्वासन दिए, लेकिन सत्य कुछ अलग ही है। शुरुआत में जो मजदूरों ने हिम्मत करके पहले ही पलायन किया, तब आज वो अपने घर पहुंच गए। लेकिन जो अपने काम की जगह रुक गए थे, उन्होंने इलाज नहीं रहते हुए पलायन करना शुरू कर दिया है। तब हजारों किलोमीटर का पैदल सफर करते हुए लोग दिख रहे हैं। सभी लोग काम के लिए हैदराबाद, बेंगलोर और देश का अंतिम टोक कन्याकुमारी यहाँ गए थे। वहाँ से अपना पैदल सफर शुरू करके आगे मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, इन राज्यों में जा रहे हैं। सभी को कोई ना कोई समस्या की वजह से निकलना है। किसी का पैसा खत्म हुआ है तो किसी को दो वक्त खाने के लाले पड़े हुए हैं। तब कुछ लोगों ने वहां की सरकारों पे आरोप भी लगाया है कि कुछ लोगों से पूछने पर बताया जा रहा है कि हमारे पीछे 8 से 9 हजार लोग पैदल रोड से आ रहे हैं। तब कुछ महिलाएं, छोटे बालक भी इसमें शामिल है। दिन रात पैदल सफर कर रहे उनके खाने की व्यवस्था जगह जगह हो रही है, लेकिन लॉकडाउन उन्हें बहुत मुश्किल स्थिति में डाल दिया है। सर, हैदराबाद से सफर कर रहा सर। सर जी, खाने पीने की कोई सुविधा नहीं मिली। कोई कोई नगर में मिला सर, कोई नगर में नहीं मिला सर जी हमको। सर जी गए थे सर, वो राशन दुकान में सर आंध्र प्रदेश में राशन बटा था, तो वहाँ पे सर एक दिन राशन बटा सर, लाइन में लगे तो फोटो वोटो लिया सर। हाँ। और 10 किलो चावल देता था, 500 रुपये देता था। जिस दिन लाइन में लगे सर, उस दिन भगा दिया सर। बोले तो जिसके लेबर मिस्त्री के सर जैसे बड़े साहब रह गए उनके साथ में, तो उन लोग को दिया सर। हमारा कोई नहीं था तो हमको नहीं दिया। तो बोले सर कल आना करके ऐसा कुछ बोले सर उनने। कल भी गए, परसों भी गए, बंद टोटल सर। अब जेब का पैसा जब तक था जब तक खाए सर, अब पैसा खत्म हुआ तो सर वही रास्ता है पैदल चलने का सर। हिंगनगार से NBC न्यूज़ के लिए रवि एरोनकर की रिपोर्ट।